नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। और आज काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट की जो बुक थी अपनी बायोलॉजी की, उसका जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया था, जो मैंने आपको बताया भी था। और आप लोगों के डेली जो कमेंट है वो भी आ रहे हैं, और आपको पता भी होगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो अवेलेबल थी यूनिट थर्ड की जो बुक थी बायोलॉजी की अपनी, वो अनअवेलेबल जो बता रही है, आउट ऑफ स्टॉक बता रही है। उसका कारण यही था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक है वो स्टॉक में ख़त्म होने को आ रही है। तो उसी का एक नया जो एडिशन है ना, यूनिट आरपीएससी यूनिट थर्ड का जो एडिशन है, या फिर अपन कह सकते हैं इसको जो पीजी लेवल का जो एडिशन था, ठीक है ना, पीजी लेवल जिसे यूनिट थर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका एडिशन जो था वो था पहले, ठीक है। अब इसी का जो अपन सेकंड एडिशन जो है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, कि सेकंड एडिशन जो आया है इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं अपडेट की गई है, और ऑर्डर कैसे आप कर सकते हो, वो सभी चीज़ें डिटेल्स। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक परचेज नहीं की है, लेकिन उनकी डेली जो क्वेरी है वो इस प्रकार की रहती है कि ऑर्डर कहाँ से करेंगे, कैसे ऑर्डर होगा, बुक में कंटेंट क्या है, उसकी पीडीएफ का थोड़ा सा उसका कंटेंट के बारे में बताएं। तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर कौन से टॉपिक्स डाले गए हैं। अभी तक भी कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सिलेबस है वो डाउनलोड करते हो, लेकिन सिलेबस जो डाउनलोड करते हो आप 2020 वाला कर लेते हो, और 2020 वाला सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर पीजी यूनिट जो होती है, उस पीजी यूनिट में आपका बायो केबल टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी ये दिए, इसके साथ में इथोलॉजी दी हुई है। लेकिन अगर आप सिलेबस आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर और 2022 का जो सिलेबस है सबसे नवीनतम, अगर आप ये देखोगे तो उसके अंदर जो पीजी का सिलेबस है उसमें यूनिट में कुछ टॉपिक अपडेट किए गए हैं। इनमें से जो इथोलॉजी का पोर्शन था वो हटाकर यूनिट सेकंड के अंदर अपडेट कर दिया गया है, जबकि थर्ड यूनिट के अंदर कुछ टॉपिक जो ऐड किए हैं वो इकोलॉजी को उठा के थर्ड में रखा गया है। इकोलॉजी पहले किस में थी? सेकेंड में थी। तो अपना जो इसमें टॉपिक जो शामिल किया है मैंने, इकोलॉजी का पूरा पोर्शन है वो शामिल किया है। इसके साथ साथ में जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन था वो सेकेंड यूनिट में था, वो भी उठा के इन्होंने किस में रख दिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे यूनिट सेकंड के अंदर रख दिया है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यूनिट थर्ड टेक्निक इन बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी में जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है यूनिट थर्ड के अंदर। चौथा पॉइंट माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के जितने भी टाइप्स हैं उन सबको भी शामिल किया है चौथी यूनिट के अंदर। पांचवा अगर आप देखोगे इसके अंदर पॉइंट शामिल किया गया है बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो ये पोर्शन जो है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल जो ओवरऑल आपके पांच यूनिट जो है थर्ड यूनिट के अंदर, पांच यूनिट है वो शामिल की गई है। पांचों यूनिट का अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये इसका अपना फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है। एक चीज़ और बता दूँ, जो बुक पहले से जो यूनिट थर्ड के नाम से आपको मिल रही थी फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप उसको भी ऑर्डर करोगे तो भी यही बुक आएगी। इसलिए ऐसे कवर के चक्कर में ज़्यादा मत रहना डाउट, ये कवर तो मिलेगा मिलेगा आपको अलग से, लेकिन अगर आप उसको भी ऑर्डर करोगे तो भी आपको ये कवर, ये बुक है वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो दोनों सेम रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो कवर था तो ये क्यों आई, ये इसलिए है कि वो फ्लिपकार्ट के ऊपर अपडेट नहीं होता है एक बार अगर आपने कवर चढ़ा दिया है तो, इसलिए बुक ये आएगी, वर्जन वही रहेगा। इसके अंदर लास्ट ईयर के पेपर्स हटा दिए गए हैं, पूरी थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो बनाया गया है, जो लगभग 256 पेज की जो बुक है वो बनाई गई है। इसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन जो शामिल किया है उसके अलावा लास्ट के अंदर मैंने 20 जो पेज हैं आरपीएससी में यूनिट थर्ड से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैंने इसमें इंक्लूड किया है लास्ट के अंदर, ताकि आप लोग जब ये पूरी बुक पढ़ लो तो लास्ट के अंदर 20 पेज आपको ऐसे मिले जिनके अंदर केवल क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस के साथ में मैंने उनका एक्सप्लेनेशन जो है बाई हैंड राइटिंग किया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं है दैट मीन्स आप समझ जाना कि वो अपनी बुक के अंदर पहले से अवेलेबल है, इसलिए मैंने उनको रिपीट नहीं किया है। कोई कंटेंट नया रिपीट हुआ है तो वो मैंने पूरा इसके अंदर दिया गया है। तो ये अपनी रहेगी सेकंड एडिशन रहेगी, वॉल्यूम फर्स्ट रहेगी। वॉल्यूम फर्स्ट के नाम से आप समझ गए होंगे वॉल्यूम सेकंड आने ही वाला है, एक महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम सेकंड के अंदर खास तौर से जो यूजी लेवल का सिलेबस है, यूजी लेवल में इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उसके साथ में सीनियर सेकेंडरी लेवल में से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट्स जो हैं
जो एनसीईआरटी में आपको डिटेल में नहीं मिलते हैं वो टॉपिक्स वहाँ से उठा के मैं सेकंड जो वॉल्यूम है वो निकालूंगा। सेकंड इसमें केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बायोलॉजी के आपको दो ही वॉल्यूम मिलेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, ठीक है ना। तो वो दोनों जो वॉल्यूम होगा, सेकंड वॉल्यूम जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मिलाकर होगा, यहाँ पर थर्ड के लिए सेपरेट है। आगे अपन देखें यहाँ पर जो बुक का कवर है वो सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें मेंशन की हुई है यहाँ पर, ये तो पहले से अपन बात कर ही चुके हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स। जो अपना ये जो पोर्शन है वो किसके लिए है, यूनिट थर्ड का जो लेवल है उसके लिए रहेगी, ठीक है। चैनल अपना है और यहाँ पे आप ऐप के बारे में आपको सबको पता ही है, लिखित नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स है इसमें पूरे, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं बुक के मैटर के ऊपर कि उसमें कंटेंट कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आप देखोगे इसका फ्रंट पेज जो है, सबसे पहले ये है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान बायोलॉजी और हस्तलिखित नोट्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसमें छोटी मोटी जो डिटेल्स है वो है, यहाँ पे मेरी डिटेल्स है वो जो पहले से ही है वो तो आपको पता ही है। सेकंड पोर्शन अगर अपन देखेंगे इसके अंदर तो ये छोटी इसकी लेखक के बारे में रिपोर्ट्स हैं, माता पिताजी को समर्पित है, वो चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपना है कि इसके अंदर शामिल क्या किया गया है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर कौन से जो टॉपिक्स हैं जो शामिल किए गए हैं वो अपन देखेंगे यहाँ। जैसे पहली जो यूनिट है ये क्या है अपना, इंडेक्स है ना, ये क्या है अपनी इंडेक्स है। इंडेक्स का जो कंटेंट है, कंटेंट का जो इंडेक्स है वो इस बार मैंने पूरा कंप्लीट बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपनी यूनिट है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाली है, ये वाली है। इसके अंदर पेज वाइज आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी, थर्ड यूनिट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, चौथा डीएनए वेक्टर्स, पांचवा टीआई प्लाज्मिड एंड इट्स एप्लीकेशन, छठा आरआई प्लाज्मिड। इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो लगभग कितने हैं यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे लगभग 37 जो टॉपिक्स है 37 वो आपको मिलेंगे, और पेज नंबर 6 से लेकर आपको लगभग 59 तक का जो पेज नंबर है उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी का पूरा टॉपिक्स जो आपके हैं जिनमें से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी का कलेक्शन इसमें किया हुआ है। और हर चीज़ कुछ टॉपिक्स कुछ चीज़ें मैंने अभी हाल ही अंदर अपडेट की है जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंड यदि आप देखोगे जैसे यहाँ पे, तो सेकेंड जो अपनी पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला सेकंड है, और सेकंड से यहाँ की जो इंडेक्स है वो अलग सेपरेट बनाई है मैंने, ये वाली पहले टॉपिक की जो थी वो ऊपर है। इसमें आप देखोगे टेक्निक्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में यूज आने वाली जितनी भी टेक्निक्स हैं उसका अलग से आपकी यूनिट दी हुई है, तो मैंने अलग से सेपरेट बनाया है इसमें। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिल एमाइड जेल क्या होते हैं सबके बारे में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्रोटीन कैसे करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, नेटिव पैच कौन सी होती है, आइसोलेक्ट्रिक फॉक्सिंग कौन सी होती है, टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी होती है, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन अगला जो टॉपिक है वो कौन सा जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी प्रकार से सेंट्रीफ्यूगेशन का अगर टाइप्स आप देखोगे यहाँ पे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के ये टाइप्स हैं, ठीक है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यहाँ से क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, एचपीएलसी आ जाएगी, गैस क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा कॉलोरीमेट्री, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो थे कौन से थे, सेंट्रीफ्यूगेशन जो थे वो थे यहाँ तक, और यहाँ से जो है वो कौन से, क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक्स है, क्रोमेटोग्राफी में जितनी भी टेक्निक्स है वो सब मैं इसमें डाली है। अगला टॉपिक आ जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, एलिजा टेस्ट, अगला आ जाएगा माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोपी में देखो माइक्रोस्कोपी में जब भी आप पढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन के बाद में आप माइक्रोस्कोपी में देखने के लिए कौन से स्टेन, कौन सी डाई जो है वो यूज़ में आता है वो सभी मैंने इंट्रोडक्शन इसमें डाले हैं। कई बार डाई से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेनिंग से, इसलिए मैंने वो पूरी चीज़ें शामिल की है इसके अंदर, स्पेसिमेन फिक्सेशन एंड सेक्शन, ठीक है, कौन से सेक्शन के लिए कौन सी डाई यूज में आती है, कौन से मटेरियल के लिए कौन सी डाई यूज में आती है, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल किया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाई, स्टेनिंग डाई जो यूज में आती है अलग अलग माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग। अगला है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आरपीएससी के द्वारा हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है फेज कॉन्ट्रास्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो टाइप है,
TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम। और अब है फिक्सेटिव एजेंट, कौन से जो एजेंट हैं किसी सैंपल को फिक्सेटिव फिक्स करने के लिए यूज में आते हैं, तो फिक्सेटिव एजेंट्स हैं। यहाँ पे अगली माइक्रोस्कोपी है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, बैक्टेरियल स्टेनिंग का मेथड है और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी दी हुई है। आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स नहीं है वो भी मैंने शामिल किए हैं, कारण कि इनमें से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं कभी ना कभी, इसलिए उन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए जो भी टॉपिक मुझे लगा है कि ये टॉपिक पूछा गया कभी, तो मैंने उसकी डिटेल्स इसमें डाली है, ताकि जब भी कोई कैंडिडेट ये बुक पढ़े और अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में बैठे तो उसको लगना चाहिए कि यहाँ से ये क्वेश्चन सब वो सभी क्वेश्चन मिले हैं उसको, ठीक है ना। मेरा जो प्रयास वो मैंने पूरा किया है, आप लोग इसको अच्छा रेस्पॉन्स देंगे उम्मीद करता हूँ, आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे इसको पढ़ोगे अच्छे से। अगला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायो जियोग्राफी एंड देयर टाइप्स, एंडेमिज्म क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया, एंडेमिक स्पीसीज इन राजस्थान, हॉट स्पॉट एंड देयर टाइप्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्स सी टू कंजर्वेशन एंड इन सी टू कंजर्वेशन, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल पार्क्स कौन से हैं, सेंचुरी कौन सी है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है, और रेड डाटा बुक्स एंड देयर कैटेगरी, जो 8 कैटेगरीज है थी वो कैटेगरीज डाली गई। अगला जो पॉइंट अपना आ जाएगा लास्ट वो आ जाएगा इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है वो पूरी मिल जाएंगे आपको, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, यहाँ पे एडिफिक फैक्टर दिया हुआ है, टोपोग्राफिक फैक्टर है, एनर्जी फ्लो मॉडल है, एनर्जी फ्लो है, यहाँ पे मॉडल अलग दिए मैंने, और टाइप ऑफ फूड चैन अलग से दी है, फूड वेब अलग बनाई है, और बायोलॉजिकल पिरामिड्स एंड देयर टाइप्स, जितने भी टाइप्स पिरामिड हैं वो सब अलग अलग दिए हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन अलग से दिया गया है, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। आगे आप देखोगे जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन आ जाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन पहले इंट्रोडक्शन था, अब इसके टाइप्स है, अब आ जाएगा प्रोसेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, कौन से प्रोसेस से गुजरता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स, क्वेश्चन हमेशा क्लाइमैक्स से पूछा ही जाता है, ठीक है ना, क्लाइमैक्स के कौन से, अब टाइप इसके कौन से, हाइड्रोशियर सक्सेशन है, लिथोशियर सक्सेशन है, सेमोशियर सक्सेशन है, हेलोशियर सक्सेशन है, अब लास्ट में मैंने वापस से डाला है एनर्जी फ्लो मॉडल, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए फ्लो मॉडल के साइंटिस्ट से रिगार्डिंग मैंने डाला है कि इसमें तीन जो मॉडल हैं वो तीनों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वो चीज़ें इसमें क्लियर की है। लिमिटिंग फैक्टर हमेशा क्वेश्चन बनता है, लेविंग्स लो मिनिमम और सेल्फर्ड लो ऑफ टॉलरेंस, पॉपुलेशन एंड देयर अफेक्टिंग फैक्टर, एज पिरामिड, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एंड कर्व, ये सर्वाइवशिप कर्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। पॉजिटिव, इसमें से देखो कौन सा टॉपिक है पॉजिटिव, बेनिफिशियल इंट्रैक्शन कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाले डाले हैं, एक है अडेप्टेशन, और लास्ट के अंदर जो डाले हैं मैंने यहाँ पे डाले हैं इंपॉर्टेंट PYQ बायोलॉजी विद एक्सप्लेनेशन, जो आपको मैंने अभी भी बताया है कि जो लास्ट में आपसे पूछे गए हैं वो सभी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली है। ये कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल लाइन लिखी है यहाँ पे, जो आप लोग बुक्स में पढ़ोगे, जब भी बुक्स आप खरीदोगे और बुक्स को पढ़ के चलोगे तो इस लाइन को ज़रूर आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है ना, इस लाइन को आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है ना। कुछ मोटिवेशनल है, आपका भविष्य आपके हाथ में है और आज का हर प्रयास आपकी सफलता की नींव रखता है, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ अस्थाई है, लेकिन आपके संकल्प और मेहनत से आप हर बार बाधा को पार कर सकते हो। याद रखें कि हर असफलता एक सीखने का मौका देती है आपको, और हर सफलता आपके कठिन परिश्रम का फल है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, खुद पर विश्वास रखें और कभी भी हार मानने का विचार न करें। अपनी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच ही आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। सफलता का रास्ता आपके सामने, उस पर चलें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। ये कुछ मोटिवेशनल लाइन से मैंने जो मैटर है वो स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप देखोगे जो पहला पोर्शन है, ठीक है ना, पहला पोर्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी का डाला गया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन से और उनसे रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं, इस प्रकार से आपको हैंड राइटिंग नोट्स बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे,
वेक्टर जितने भी प्रकार के वेक्टर्स हैं यहाँ पे इस प्रकार से वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग। जैसे यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड है तो यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड आपको मिल जाएगा। ये सब टी आई प्लाज्मिड की पूरे डिटेल्स है, ये एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर हैं। और लास्ट के अंदर जो बुक है उसके अंदर मैंने आपको बताया है, आपके अंदर इसमें डाला है कि बायोलॉजी में पी वाई क्यू जो पूछे गए हैं आज तक सभी क्वेश्चंस जो हैं, जैसे देखोगे पी वाई क्यू जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको पी वाई क्यू जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे डी ई ए ई सेलुलोज एंड सी एम सेलुलोज रेजिन किसके पृथक्करण हेतु इस्तेमाल किए जाते हैं, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। आगे फ्यूलजन रीएजेंट अभिकर्मक तैयार करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो बेसिक फ्यूलजन है ना। ये क्वेश्चन अपने डाई में जो डाई वाला पोर्शन है उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। सबसे अधिक स्थाई मोस्ट स्टेबल जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, आर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। यहाँ पर सिमलीपल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, मैंने आगे लिखा है इसमें, जो टाइगर के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर डियर बिसन क्रोकोडाइल्स एलिफेंट्स और हिल माय भी पाए जाते हैं, है ना, मायना भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। अलग अलग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आज तक के पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। वेदांत गुल पक्षी अभ्यारण जो है वो कहाँ पे है स्थित है, तो चेन्नई के अंदर स्थित है, ठीक है ना। यह प्रवासी पक्षियों माइग्रेट बर्ड का एक घर है जो 30 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। यह एक जलीय पक्षी अभ्यारण है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जलीय पक्षी अभ्यारण कौन सा है, तो आपको याद रखना है वेदांत गुल पक्षी अभ्यारण है। यहाँ पर अल्फा और ओमेगा टैक्सोनॉमी जो है का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ट्यूरियल के द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होता है हर एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो इसी प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से आपको 151 तक आपको 251 तक आपको जो पेज है ये मिलेंगे। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन जो डिटेल जितनी हो सकती है ये पूरी डिटेल्स आपको इसी की मिलेगी प्रत्येक क्वेश्चन वाइज, ठीक है, ताकि आपको हर क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आप जब थ्योरी पढ़े हो तो वो हर चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में मिले, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जब भी आप बैठो तो वो आपको सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और आप अपने जो मंजिल है वो आपको मिले। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ में आपकी ये जो बुक है 2-3 दिन के अंदर पब्लिश हो जाएगी और आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होगी। और इसका जो रेट है वो आपको 300 रुपये की रखी है मैंने, क्योंकि इसमें पेज जो है वो मैंने जो लास्ट ईयर के शॉर्ट पेपर थे वो हटा दिए हैं, क्योंकि उसके लिए आप लोग कह रहे थे सर इसके लिए अलग से बुक निकाल दो, ताकि उसके अंदर क्या है कुछ मॉडल पेपर डाल दूंगा, है ना, मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर उसमें डालने का विचार है मॉक टेस्ट के रूप में, तो वो आपको मिलेगा, तो वो सॉल्यूशन भी हो जाएगा और पीछे वाले जो पेपर हैं 5 जो आए हैं उनका कुछ एक्सप्लेनेशन साथ में डालूंगा, ताकि वो एक सेपरेट बुक आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक हो सके। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को खरी उतरेगी ये बुक आपकी उम्मीदों के ऊपर और आपको एक सक्सेस तक जरूर पहुंचेगी। इसी लाइन के साथ में आज का अपना वीडियो, सपनों की उड़ान वहीं भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं, इसी लाइन के साथ में आज का अपना वीडियो है, सेशन है, कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा आपको ये कंटेंट और कितने स्टूडेंट्स जो इसका वेट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से या बाई पोस्ट आप लोग मंगवा सकते हो। बाई पोस्ट पे भी 300 रुपये रहेगी और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी 300 रुपये रहेंगे। जो इसका मैं लिंक है जैसे ही वो अपडेट होगा तो मैं लिंक जो वीडियो है उसके अंदर डाल दूंगा और भी शॉर्ट्स वगैरह वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। बस रेगुलर आप लोग मेहनत करते रहिए, अपने चैनल के ऊपर जुड़ते रहिए। अभी मैंने फैमिली स्टार्ट कर रखी है तो फैमिली रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, 2 फैमिली मैंने पढ़ा दी है, आपकी 4 फैमिली और बची है, वो 4 फैमिली मैं जल्दी ही करा दूंगा। इसी उम्मीद के साथ में आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज़।